अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। दिस इज़ द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6 यूनिट नंबर 5 एंड दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज परसेंटेजेस एंड दिस इज़ द लेसन नंबर 2। In this chapter, in this lesson, we will cover the pages from 99 till 106. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, first of all, I will tell you about the percentage increase and percentage decrease. So, I will explain you this topic by the giving example from your book. City arranges 10 rows, 10 chairs in a row. She then adds two another chairs to the row. What is the in percentage increase in the number of chairs? अब अगर आप क्वेश्चन से देखें, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि सिटी ने 10 चेयर्स जो हैं वो एक रो में रखी हैं, अरेंज की हैं। अब उसने दो जो चेयर्स हैं वो ऐड की हैं। ऐड मतलब अगर कोई चीज ऐड हो रही होती है तो इससे आपको डेफिनेटली आपको पता चल रहा है कि कोई सी चीज में इंक्रीज हो रहा है। एड मीन्स इंक्रीज, आपका नंबर जो है, आपकी जो चीज है उसकी अमाउंट या क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सो एड मीन इट्स अ इंक्रीज। सो अब आपने परसेंटेज फाइंड करने है कि कितने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है। पहले तो हम क्या करते हैं कि ये 10 चेयर्स जो है उनको अरेंज कर लेते हैं। ये मैंने 10 चेयर्स कर ली हैं। अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास कितनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब शी देन एड्स टू अनदर चेयर्स, अब उसने टू और चेयर्स ऐड किए, ये दो। अब आपने इंक्रीज फाइंड करना है। अब परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला काइंडली स्टूडेंट्स आप लोगों को लर्न करना है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100%। इंक्रीज के जितना इंक्रीज हुआ है वो आपने डिवाइड करना है ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल मतलब कि जो आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा ओरिजिनल, और मल्टीप्लाई आपने इसको 100% से कर देना। इंक्रीज मेरे पास क्या आया था, परसेंटेज इंक्रीज मेरे पास क्या है, 2। कितनी चेयर्स हमने ऐड की है, 2। पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है मेरे पास, 12, तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इंक्रीज हुआ है। और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, पहले कितनी चेयर्स थी, 10, तो मैं 2 को डिवाइड कर दूंगी 10 के साथ और मल्टीप्लाई 100%। सो परसेंटेज इंक्रीज मेरे पास क्या आ जाएगा, 14%। अगर आप देखें मैंने क्या किया, 10 को यहाँ पे 10 था, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। मैंने क्या किया कि 10 यहाँ पे था, मैंने इसका एक जीरो जो है वो इस जीरो से कट कर दिया, तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, 2 × 10, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल 20%। 20% जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब दो चेयर्स ऐड हुई हैं तो हमारे पास क्या है, 20%। काइंडली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न करना है। इसी तरह से अगर आपके पास डिक्रीज परसेंटेज हो गया तो आप डिक्रीज फाइंड कर लेंगे और उसको इस फॉर्मूला में लगा देंगे। अब ये देखें, ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिक्रीज वाला है। विमिंग अरेंजेस 10 चेयर्स इन अ रो, ये जो चेयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 चेयर्स थी। फिर उसने क्या किया, ही रिमूव्स 3 चेयर्स फ्रॉम द रो, उसने 3 चेयर्स जो है वो रिमूव कर दिए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, पहले हमारे पास ये टोटल कितनी थी, 10 चेयर्स, उसमें से उसने 3 जो चेयर्स हैं उनको रिमूव कर दिया है। अब आपने परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है। परसेंटेज डिक्रीज का भी वही फॉर्मूला होगा कि आपने डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज कितना है, 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे और सॉरी 3 ओवर डिवाइड किससे करेंगे, जो ओरिजिनल है वो 10 थी, मल्टीप्लाई 100। उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 × 10, तो मेरे पास डिक्रीज परसेंटेज क्या आ जाएगी, 30%। नाउ नेक्स्ट इज, एट अ प्राइमरी स्कूल द स्कूल बस फेयर वॉज इंक्रीज फ्रॉम $80 to $100 a month. What was the increase? What was the percentage increase in the bus? अब आप देखें कि पहले हमारे पास एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो बस फेयर है वो इंक्रीज हुआ है 80 से 100, मतलब ओरिजिनल हमारे पास क्या है 80 और इंक्रीज हमारे पास क्या है 100। पहले तो हम फाइंड करेंगे कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है।
तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपके पास 80 था ये टोटल, और ये आपके पास इंक्रीज होने के बाद एक मंथ के बाद क्या आया है, 100 हो गया। तो आपने ये, आपको पता है ये 100% है, ये आपको नहीं पता, आपने ये फाइंड करना है। मैं क्या करती हूँ कि इंक्रीज परसेंटेज मेरे पास क्या आई है, 100 माइनस 80, इंक्रीज नॉट परसेंटेज, इंक्रीज अमाउंट 100 जो टोटल, मतलब जो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज में से मैं क्या करती हूँ 80 को माइनस कर दूंगी, मतलब प्रेजेंट अमाउंट से प्रीवियस को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ गया 20। इट्स मीन 20 जो है वो हमारे पास इंक्रीज हुआ है, 20 बस फेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज कितना है 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल मेरे पास क्या है 80 मल्टीप्लाई 100%। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं 20 और ये देखिए आप ये 0 0 से कट जाएगा, पीछे 2 ओवर 8 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1/4 आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 100%। अब मैं इनको डिवाइड कर लेती हूँ, आप इनकी कटिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 25%। So your answer is 25%. So the increase, percentage increase in the bus is 25%. Now students, open page number 102, question number 7. The price of the plate of a chicken rice increased by $50. The percentage increase in the price of the plate of chicken rice was 20%. How much did each plate of the rice cost at first? आप question आपके पास ये है कि आपके पास जो price of plate of chicken rice है वो increase हुई है $50 और percentage increase आपके पास क्या है 20%, percentage increase भी उन्होंने आपको दे दिया। How much did each plate of chicken rice cost at first? At first means you have to find out the original, आपको original जो है वो find करनी है। So price at first हमारे पास क्या है वो हमें नहीं पता, और उन्होंने ये कहा है कि जो 100% ये 20%, हमें ये वाले, हमें ये पता है कि ये कितनी है $50, हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट पे क्या है, मतलब इसकी क्या है या ये 100% क्या है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि 20% ऑफ द प्राइस मेरे पास क्या है $50, 20% उन्होंने बता दिया कि वो $50 है। अब मैंने देखिए 100% फाइंड करना है, अब 100% किस तरह से मेरे पास आएगा कि मैं 20 था मेरे पास तो मैं 50 था, तो अब 100% कैसे आएगा कि मैं 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ कि मेरे पास 100 आ जाता है। सो यस, मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 100% आता है। सो इट्स मी, मैं दूसरी साइड पे भी 50 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, तो मेरे पास 100% आ जाएगा। सो इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस आएगी वो हमारे पास क्या आएगी $250। 20% था वो 50 के इक्वल, 100% कैसे आया, 20 को 100 में कैसे चेंज हुआ कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100% बन गया। इसी तरह से मैं 50 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 250। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 10, स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 104, द क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल शोज द मंथली सैलरी ऑफ अ बैंक ऑफिसर ओवर 2 years। मंथली सैलरी इन 2016 इज $3,100, मंथली सैलरी इन 2017 इज $3,300। अब अगर आप ये देखें तो आपको पता चल रहा है कि 2016 में आपके पास 3100 थी और 2017 में आपके पास 3300 है, मतलब उसकी सैलरी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी गिविंग योर आंसर correctly to the nearest 0.1%। अच्छा, अब question आपके पास ये है कि आपने एक तो increase percentage find करनी है, secondly आपने उसका जो answer है वो nearest 0.1% में देना है, मतलब आपने answer जो है अपना rounding to the first one decimal place में देना है।
इंक्रीज परसेंटेज पहले इंक्रीज अमाउंट हम पहले फाइंड करते हैं. इंक्रीज अमाउंट कैसे आएगी, जो आपके पास अब वाली अमाउंट है उसमें से आप क्या करेंगे, ओरिजिनल को माइनस कर देंगे. तो आपके पास आ गया $200. $200 जो है वो इंक्रीज हुआ है. अब परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे फाइंड करेंगे, 200 इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100. 200 ओवर 31, 100 मल्टीप्लाई 100. जीरो को जीरो से कैंसिल करें तो आपके पास 2/31 आएगा. जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0645 मल्टीप्लाई 100%. अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.45. एंड आपने अप्रोक्सीमेटली आंसर देना है 0.1, मतलब 1 डेसिमल प्लेस में. तो यहाँ हमारे पास 4 है, 4 को नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 5. तो 5 हमारे पास जो है वो राउंड हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 जो है वो 4 जो है वो राउंड होगा, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 6.5. सो इट्स मीन द परसेंटेज इंक्रीज इज 6.5. Now students, open page number 106. Practice zone. The question number 3. The cost of a movie ticket in 1980 was $3. Now each ticket cost $7.50. Find the percentage increase in the cost of a movie ticket from 1980 to now. अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक मूवी की टिकट की जो कॉस्ट 1980 में थी वो हमारे पास $3 थी. अब जो कॉस्ट ऑफ ईच टिकट वो हमारे पास क्या हो गई है, $7.50. अब आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है 1980 से अब तक. आपको पता चल रहा है कि आपके पास जो है वो इंक्रीज है, पहले 3 थी अब आपके पास 7.50. सबसे पहले तो आप इंक्रीज अमाउंट फाइंड करेंगे. इंक्रीज अमाउंट हमारे पास क्या है, पहले तो हम सारी डाटा लिख लेंगे जो हमें गिवन है. कॉस्ट ऑफ मूवी टिकट इन 1980 इज $3. कॉस्ट ऑफ मूवी टिकट नाउ $7.50. और इंक्रीज हमारे पास क्या हुआ है, हम लोग 7.50 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो मेरे पास आ गया $4.50. $4.50 जो है वो इंक्रीज हुए. इंक्रीज परसेंटेज हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%. इंक्रीज हमारे पास क्या है, 4.50 ओवर ओरिजिनल मेरे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100%. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.50, 4.50 डिवाइडेड बाय 3 मेरे पास आएगा 1.5, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 150%. सो इट्स मीन द इंक्रीज परसेंटेज इज 150%. दिस इज योर आंसर. एंड मेक श्योर स्टूडेंट्स यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर मैथ क्लास वर्क नोटबुक. नाउ ओपन पेज नंबर 106, प्रैक्टिस जोन, क्वेश्चन नंबर 5. The price of a car was reduced by 8% to $92,000. What was the original price of the car? अब आपने question आपके पास ये कि जो एक car है उसकी जो price है वो कितने percent decrease हुई है? Reduce means decrease, कम होना, 8%. और उसकी decrease हमारे पास amount कितनी है, $92,000. अब आपने original जो car की price है वो find करनी है. सोल्यूशन, डिक्रीज परसेंटेज आपके पास क्या है, 8%. डिक्रीज अमाउंट आपके पास क्या आ गई है, जो अब कार की रिड्यूस अमाउंट वो क्या है हमारे पास, $92,000. और आपने ओरिजिनल अमाउंट जो है वो फाइंड कर लिया. डिक्रीज परसेंटेज पहले हम फाइंड करेंगे, 100% में से 8% को फाइंड करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 92%. अब आप क्या करेंगे, 1% फाइंड करेंगे. 1% आपके पास क्या आएगा, 92,000 डिवाइडेड बाय 92. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,000. अब इस 1,000 को आप अब 100% फाइंड करेंगे. 100% फाइंड करती हूँ तो मैं 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, $100,000. सो इट्स मीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार इज $100,000. सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार इज $100,000. This is your answer. Now students, you have a homework. Open page number 100. Do question number 3 on your book. On page number 101, do question number 4 and 5 on your book. On page number 102, do question 6 and 7 on your book.
On page number 103, do question number 8 and 9 on your book. Do question open page number 104, do question number 10 on your book. Open page number 105, do question number 11 on your book. और स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में करवाए हैं, तो काइंडली आप उनकी हेल्प से भी वो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपनी बुक पे, और बाकी जो है वो आपने होमवर्क के लिए करने हैं, लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बुक पे करने हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 106 में, ये आपके पास जो प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, आपने अपनी होमवर्क नोटबुक्स पे करने हैं। इसमें से मैंने आपको जो है वो मैंने 3 और 5 क्वेश्चन करवा दिया, वो आप लोग अपनी क्लास वर्क नोटबुक पे भी नोट कर लीजिएगा और होमवर्क पे भी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफिज़।